ऐप्स आपके स्मार्टफोन का एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है और बिना कोई यूजफुल ऐप्स के आपका महंगा फोन भी बेकार बन सकता है। तो ये है 2017 के लिए मेरे 10 ऐप्स जिनको आप यूज करेंगे तो आपका डे टू डे लाइफ में बहुत मदद होगा और आपका स्मार्टफोन एक्सपीरियंस और भी अच्छा बन जाएगा। चलिए देख लेते इन 10 ऐप्स को। पहला जो ऐप है वो है फोल्डरी विजेट ऐप। अगर आप अपने पुराने फोल्डर से बोरिंग आ गए हैं तो आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। इस ऐप को यूज करके आप एक विजेट बना सकते हैं, जिस विजेट को यूज करके आप एक ऐप की जगह पे एक पूरा स्क्रॉलेबल फोल्डर बना सकते हैं, जो देखने में काफ़ी कूल है और काफ़ी यूजफुल भी है। और इसको आप 2-3 तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और इन ऐप्स के साइज को आप अपने मनचाहे हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। और इन फोल्डर्स में आप मनचाहे ऐप्स को ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो ऐप है वह जेस्चर लॉक। क्या आपके फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है और आप पैटर्न लॉक ड्रॉ करके बोर हो गए, तो आपके लिए मैं लाया हूँ ये ऐप। जेस्चर लॉक को यूज करके आप कोई भी जेस्चर डाल के अपना फोन अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन ये जेस्चर आपको पहले से सेट करना पड़ेगा। इन जेस्चर को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कोई भी करेक्टर डाल के आप अपने हिसाब से जेस्चर सेट कर सकते हैं और वो जेस्चर दिए बिना आपका ये फोन अनलॉक नहीं होगा और आपको पुराना पैटर्न डालने की जरूरत भी नहीं है। और इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आप बाय डिफॉल्ट कुछ वॉलपेपर से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं या फिर आप अपने गैलरी से भी वॉलपेपर सेलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं। और आप चाहे तो इस जेस्चर को इनविजिबल भी बना सकते हैं, जिसकी मदद से आप स्क्रीन के ऊपर क्या ड्रॉ कर रहे हैं किसी को पता नहीं चलेगा। तो काफी एक अच्छा और यूनिक लॉक स्क्रीन ऐप है जिसको आपको जरूर चेक करना चाहिए। नेक्स्ट ऐप इस लिस्ट में है स्कैनबॉट। स्कैनबॉट एक स्कैनिंग ऐप है जो आपके डॉक्यूमेंट्स से ऑटोमेटिक स्कैन करके आपके लिए एक सॉफ्ट कॉपी जनरेट करके बना देगा। इस ऐप को यूज करके आप कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को झट से स्कैन कॉपी में बदल सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्कैनिंग करते हैं तो आपके लिए ये ऐप बहुत यूजफुल है। और इस ऐप के मदद से आप एक साथ मल्टीपल पेजेस स्कैन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा फीचर है। और स्कैन कंप्लीट हो जाने के बाद आप इस डॉक्यूमेंट को PDF या फिर JPEG फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं और एक बार सेव हो जाने के बाद आप इसको बहुत तरह से शेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट ऐप इस लिस्ट में है अलार्मी। क्या आप मेरी तरह घोड़े बेच के सोते हैं? अगर सोते हैं तो आपके लिए लाया हूँ मैं नेक्स्ट ऐप, ये है अलार्मी। ये कोई नॉर्मल सा अलार्म ऐप नहीं है, इसमें अगर आप अलार्म लगाएंगे तो सुबह को अलार्म जब बजेगा तो अलार्म बंद करने के लिए आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे, जैसे आपको मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है या फिर आपको फ़ोन को सेक करना पड़ेगा या फिर आपको एक फ़ोटो खींचना पड़ेगा। मुझे सबसे अच्छा लगा इसका मैथ प्रॉब्लम वाला। जब तक आप इसका दिया गया 3 मैथ सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका अलार्म बंद नहीं होगा। और सुबह को अगर आप नींद में रहेंगे तो आपको ईजी मैथ्स भी बहुत टफ लगेंगे, और जब तक आप मैथ सॉल्व करके इसके सारे आंसर्स देंगे तब तक आपका नींद छूट जाएगा। तो काफ़ी एक अच्छा अलार्म ऐप है जिसको आप जरूर चेक करना चाहिए। अगला जो ऐप है वो है वॉलपेपर्स क्राफ्ट। वॉलपेपर्स लगाना किसको पसंद नहीं होता, और ये एक ऐसा वॉलपेपर ऐप है जिसमें आपको डेली अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के रेजोल्यूशन को स्कैन कर लेता है और उसके हिसाब से बेस्ट वॉलपेपर आपके लिए लेके आ जाता है। इसमें आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। इसमें आप रेटिंग के हिसाब से या फिर पॉपुलैरिटी के हिसाब से वॉलपेपर्स चेक कर सकते हैं या फिर कैटेगरी वाइज भी आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आपको हाई डेफिनेशन वॉलपेपर लगाना पसंद है तो आप इस वॉलपेपर ऐप को जरूर चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग गलती से कोई फोल्डर, फाइल या फिर वीडियो डिलीट कर देते तो उसको रिकवर करने का कोई आसान तरीका नहीं होता है, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐप लाया हूँ जिसको अगर आप यूज़ करेंगे, आप कोई भी इमेज या वीडियो को डिलीट कर देंगे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगा। ये है डम्पस्टार। ये ऐप को यूज़ करेंगे तो आप कुछ भी चीज़ अपने फ़ोन से डिलीट करेंगे तो फर्स्ट ये इसके अंदर में जाएगा,
तो यहाँ पे जाके आप उस फोटो या वीडियो को रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी चीज़ को गलती से डिलीट कर दिया तो आप तुरंत उसको रिकवर भी कर सकते हैं। अगला जो ऐप है वो है वॉलपेपर मॉडर। हम लोग बहुत सारे वॉलपेपर्स डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन कभी कभी वॉलपेपर्स का कलर या फिर उनका सैचुरेशन लेवल या फिर ब्राइटनेस कंट्रास्ट हमको पसंद में नहीं आता है। ये एक ऐसा ऐप है जिसको आप यूज़ करेंगे तो आप अपने एग्जिस्टिंग वॉलपेपर्स को उनका सैचुरेशन लेवल ब्राइटनेस कंट्रास्ट चेंज करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा और यूनिक ऐप है जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आप वॉलपेपर्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगला जो ऐप है वो है फोटोशॉप मेक्स। ये एक फोटोशॉप एप्लीकेशन है जिसको आप अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो आपको ये ऐप बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप नहीं भी यूज़ करते तो भी आप इसको यूज़ करके बहुत ही आसानी से फ़ोटोज़ एडिट कर पाएंगे। इसमें आप मल्टीपल लेयर्स में काम कर सकते हैं। फोटोशॉप में जैसे आपको करने को मिलता है वैसे भी आप यूज़ कर पाएंगे, या फिर आप इसमें फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, ब्राइटनेस कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ आपको इसमें ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अगर आपको फोटोशॉप यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो यहाँ पे इसका एक ट्यूटोरियल ऑप्शन भी है, उसको देख करके आप फोटोशॉप यूज़ भी कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट ऐप इस लिस्ट में है गूगल फोटो स्कैन। इस ऐप को यूज़ करके आप अपने पुराने जो फोटोज़ हैं उनका एक सॉफ्ट कॉपी बना के अपने कंप्यूटर या फिर क्लाउड स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी एक अच्छा और यूनिक ऐप है जिसकी मदद से आप अपने पुराने फोटोज का सॉफ्ट कॉपी बना के अपने पास रख सकते हैं। अगला जो ऐप है वो है टेक्स्ट फेयरी। हाँ दोस्तों, टूथ फेयरी नहीं, यह है टेक्स्ट फेयरी। टेक्स्ट फेयरी को यूज करके आप कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। टेक्स्ट फेयरी को यूज करके आप पूरा टेक्स्ट अपने फोन पे कॉपी कर सकते हैं और उसको यूज़ करके आप किसी को भी मेल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। इसको यूज़ करके आप ये टेक्स्ट किसी को भी सोशल प्लेटफॉर्म में सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मेरे टॉप 10 यूजफुल ऐप्स जिनको आप अगर यूज़ करेंगे तो 2017 में आपका स्मार्टफोन यूजिंग एक्सपीरियंस और भी अच्छा बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ऐप्स पसंद आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और आपका दिन शुभ हो।